दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुरुक बांड की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुरुक बांड और टोटिया फोटोनील। इंस्पेक्टर धमाका सिंह आधी रात के समय प्रोफेसर ठुमका की कोठी के निकट पहुंचा। ठुमका के बच्चे ने मुझे टाइम ट्रेवलिंग कराने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन आज मैं उसके टाइम कार चुरा कर स्वयं ही समय के बीच तफरीक कराऊंगा। पुलिस के ट्रेनिंग में उसने दीवारों पर चढ़ना भी सीखा था। ठुमका सोया पड़ा है, तभी कोठी की लाइट ऑफ है। धम। प्रोफेसर ठुमका तो सोया हुआ था, मगर उसका प्रहरी कुत्ता सतर्क था। अजनबी गंध। इस कुत्ते की विशेषता थी कि यह भौंक कर शत्रु को सावधान नहीं करता था, बल्कि खामोशी से शत्रु के पीछे पहुंच जाता था और बहुत ही खतरनाक एक्शन लेता था। खच पुई। धमाका सिंह पीड़ा के कारण उछल पड़ा था। मर गया बे, नीचे की खाल छिल गई है। कुत्ते से बचने के लिए उसने दौड़ लगाई। बहुत भयानक कुत्ता है, मगर कुत्ते ने भी पीछा नहीं छोड़ा। धाड़। उफ। धमाका सिंह को नीचे गिराकर कुत्ते ने उसकी सारी चीजें फाड़ डाली। चर। कुछ ही क्षणों में धमाका सिंह फटे हुए पटाखे की भांति दिखने लगा। उफ। आ, नंगा कर दिया साले ने। एक बार फिर वो कुत्ते से मुक्त होकर भागा। आज ये मेरा सब कुछ चबा जाएगा। एक पेड़ देखकर उसने जबरदस्त फुर्ती दिखाई। पी टी। कुत्ता अब भी पीछा छोड़ने के मूड में नहीं था। ओए जालिम, अब तो बस कर। धमाका सिंह की इस उछल कूद का परिणाम बहुत ही भयानक निकला। ओए पेड़ टूट रहा है। चटाक। और पेड़ सचमुच टूट गया। ओए। लेकिन ये धड़ाम उसके लिए लाभदायक सिद्ध हुई। धाड़। पी आई। कुत्ते के तो कुत्ते फेल हो गए। धमाका सिंह के घाव में सख्त पीड़ा थी, इसलिए उसने पहले फर्स्ट एड लेने का निर्णय किया। प्रोफेसर ठुमका की प्रयोगशाला में दवाइयाँ मिल जाएंगी। कोठी के भीतर चलता हूँ। थोड़ी सी तलाश के बाद वो प्रोफेसर ठुमका की रसायन प्रयोगशाला में पहुंचा। यहाँ दवाई मिल जाएगी, लेकिन उसकी मुश्किल अभी भी हल नहीं हुई। पता नहीं इतनी सारी शीशियाँ किस चीज की है, इनमें से दवाई कैसे ढूंढूं। उसने एक एक शीशी उठाकर सूंघना आरंभ कर दिया। पुड़क। कई शीशियां सूंघने के बाद हरे रंग की एक शीशी खोली। शीशे से निकली भाप उसके नाक में घुसी। आई। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। इस हालत में धमाका सिंह अजीब सी चीज नजर आने लगा। उसने चिल्लाने की कोशिश की तो मुख से गुर्राने का स्वर निकला। ऐसा लग रहा था जिसके जैसे उसके भीतर कुत्ते की आत्मा घुस गई हो। भों। बेडरूम में प्रोफेसर ठुमका चौंक कर उठ बैठा। भों भों भों। आई, मेरा कुत्ता क्यों भौंक रहा है? वो तुरंत उठकर खड़ा हुआ। आवाज केमिकल लैब में से आ रहा है। भों। लैब में पहुंचकर वो स्तब्ध रह गया। आई भौं भौं। धमाका सिंह कुत्ते की भांति पूरी लैब में दौड़ दौड़ फिर रहा था। भौं भौं। उफ, ये धमाका सिंह क्या नाटक कर रहा है? तुम यहां कैसे आए धमाका सिंह, और ये क्या नाटक है? दवाई का प्रभाव धमाका सिंह के मस्तिष्क और देखने की शक्ति पर भी हुआ था, इसलिए प्रोफेसर ठुमका उसे खरगोश जैसा दिखाई दिया। अगले पल उफ उस उई। धमाका सिंह की हिंसक मुद्रा देखकर प्रोफेसर ठुमका ने दौड़ लगाई। बाप रे, ये तो कुत्ता बन गया है। भौं भौं। प्रोफेसर ठुमका पवन गति से दौड़ता हुआ अपने बेडरूम में जा घुसा। धाड़। सुपरसोनिक स्पीड में पीछा कर रहा था धमाका सिंह, उचित समय पर ब्रेक नहीं लगा सका। धाड़। भीतर प्रोफेसर ठुमका की हवा संट थी। उफ, ये तो यहां भी आ गया। भौं। कुर्कबान और मोटू गहरी नींद सोए हुए थे। ट्रेन ट्रेन। नींद टूटने के कारण कुर्कबान झल्ला गया। कौन उल्लू का बच्चा बोल रहा है?
दूसरी ओर से एक घबराया स्वर सुनाई दिया, तुम्हारा बाप कुत्ता बन गया है कुर्कबान। आई इसे मजाक समझकर कुर्कबान बुरी तरह झल्ला गया। ओए कुत्ता होगा तेरा बाप साले। मैं प्रोफेसर ठुमका बोल रहा हूँ कुर्कबान, जल्दी यहाँ चले आओ, धमाका सिंह सचमुच कुत्ता बन गया है। भौं भौं। प्रोफेसर ठुमका की पूरी बात सुनकर कुर्कबान ने मोटू और अपनी मम्मी को जगाया। जल्दी चलो बापू, प्रोफेसर ठुमका के यहाँ जाकर कुत्ता बन गया है। क्या बक रहा है लड़के? मिस्टर होल्ड होल, हमें तुरंत प्रोफेसर ठुमका के यहाँ पहुंचाओ। हाय हाय, क्या हो गया मेरे स्वामी को? सुपर कार द्वारा वे कुछ ही क्षणों में प्रोफेसर की कोठी में जा पहुंचे। चर कुर्कमान कोठी का फाटक खोलने की प्रणाली से परिचित था, जल्द ही वे भीतर जा पहुंचे। आई प्रोफेसर के बेडरूम में कौन झांक रहा है? कुर्कमान लपक कर निकट पहुंचा। ठक, मुंडी बाहर कर बे। गुर बापू स्वामी। धमाका सिंह को वे तीनों भिन्न भिन्न रूपों में नजर आए। घर सबसे पहले उसने बिल्ली पर छलांग लगाई। भौं स्वामी, क्या हो गया तुम्हें? स्वामी का उग्र रूप देखकर गुलाबती दौड़ पड़ी। मुझे बचा अनोखे, फुफा को रोको बाण भैया। कुर्कबान जोर से चिल्लाया, रुक जाओ बापू वरना। घुर अगले पल धमाका सिंह पलटकर उसकी ओर लपका। भौं भौं बाप रे, भाग मोटू। वे दोनों भागे तो धमाका सिंह मोटू के पीछे लग गया। गुर भो बाण भैया बचा लो। तभी प्रोफेसर ठुमका दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसे रोको कुर्कबान, अगर उसने मोटू को काट लिया तो वो भी कुत्ता बन जाएगा। कैसे रोकूं? मुझे काट लिया तो? ये लो डॉट पिस्टल, इसमें बेहोश करने वाली दवा के इंजेक्शन लोड हैं। मैं समझ गया। कुर्कमान ने पिस्टल से निशाना साधकर फायर किया। पिट। दवाई ने तुरंत प्रभाव दिखाया। कु कु कु। कुछ क्षण लोटपोट कर धमाका सिंह बेहोश हो गया। प्रोफेसर ठुमका तुरंत ही उसे अपने लैब में ले आया और स्कैन चैम्बर में डाल दिया। बिप बिप बिप। आधे घंटे बाद प्रोफेसर ठुमका प्रयोगशाला से निकला। कैसे हैं मेरे स्वामी, जल्दी बताइए प्रोफेसर। धमाका सिंह को ओटोजोल बोटोमोल फोबिया हो गया है। ये क्या क्या चीज होती है? बड़ी भयंकर बीमारी है। पहले उसको कुत्ते ने काटा और फिर उसने मेरा एक दुर्लभ रसायन घटक लिया, इसी से उसका बंटाधार हुआ है। तो इसका इलाज इलाज मुझे खोजना पड़ेगा। मैं अपनी रसायन लैब में जा रहा हूँ, 1 घंटे तक कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। लैब में काफी देर तक प्रोफेसर ठुमका मेडिकल किताबों का अध्ययन करता रहा, फिर एक पुस्तक पढ़ते हुए अचानक उछल पड़ा। मिल गया, टोटिया फोटोनील तैयार करके धमाका सिंह को पिलाना होगा, यही एकमात्र इलाज है। वो तुरंत ही काम में जुट गया। ओटोबोल 2 ml, फोटोफोल 3 ml और सोटोटूल 1 ml। अरे आ बाहर बैठे लोग बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे। भड़ाम, प्रोफेसर ये कैसा धमाका था? भीतर जाकर सब स्तब्ध रह गए। प्रोफेसर मैं टोटिया फोटोनील बनाने की कोशिश कर रहा था मगर कुछ केमिकल रिएक्शन कर गए। अब ये टोटिया फोटोनील क्या बना है? यही एकमात्र दवाई है जिसे पीकर धमाका सिंह ठीक हो सकता है। तो हम ये दवाई बाजार से खरीद सकते हैं? नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दवाई फोटिया नामक एक फल से तैयार होती है और ये फल वर्षों पहले इस धरती पर उगना बंद हो चुका है। कितने वर्ष पहले प्रोफेसर? सन 1900 के आसपास, तब की सरकार ने फोटिया की प्रजाति समाप्त करा दी थी क्योंकि उस समय के अपराधी फोटिया की शराब बनाकर बेचने लगे थे। तो क्या अब मेरे पति को ये दवाई कभी नहीं मिलेगी? धैर्य रखो, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, 10-15 दिन में शायद मुझे सफलता मिल जाए। आप कोशिश रहने दीजिए प्रोफेसर, दोबारा भड़ाम हो गई तो आप भी उड़ जाएंगे। मुझे एक आइडिया आया है। क्या? हम टाइम कार में बैठकर सन 1900 में चलते हैं और वहां से फोटिया ले आते हैं। गुड आइडिया, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैं भी चलूंगा। नहीं मोटू, तुम यहाँ माँ और बापू के पास रहो, मैं और प्रोफेसर बस गए और आए। कुर्कमान ठीक कह रहा है, हम गए।
हम तुरंत ही आ जाएंगे। तुरंत ही टाइम कार निकाली गई और कुक बान के साथ प्रोफेसर भी उसमें सवार हो गया। ओके मम्मी, हम जल्दी लौट आएंगे। प्रोफेसर ठुमका ने सन 1900 का टाइम सेट किया और कार स्टार्ट कर दी। जूम, टाइम कार अतीत की यात्रा पर निकल पड़ी। भक, सन 1900, टाइम कार एक सुनसान लेन में प्रकट हुई। जूम, संयोगवश कार भूसे के एक गोदाम के निकट जाकर रुकी। वेरी गुड, कार छुपाने के लिए ये बढ़िया जगह है। उन्होंने कार को गोदाम में घुसा दिया। साय, प्रोफेसर, मैं यहाँ हूँ यंग मैन। वे गोदाम से बाहर निकले। अब क्या करें प्रोफेसर, टोटिया फोटेनिल कहाँ मिलेगा? हमें सिर्फ फोटिया का जूस चाहिए। किसी ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो अवैध शराब बनाने का धंधा करता हो। तभी लेन में एक कार प्रवेश हुई। जूम, अचानक ही उस कार से फायरिंग होने लगी। धाएं धाएं, ओह भागो प्रोफेसर। उई या, कुर्कमान ने एक लैंप पोस्ट की ओट में पनाह ली। क्या मुसीबत है, यहाँ तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे। प्रोफेसर ठुमका भागकर भूसे के गोदाम में घुस गया। पी टी, लेन में से गुजर रहे ओवरकोट वाले व्यक्ति को गोलियों से भूनकर कार निकल गई। जुम, कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद कुर्कमान लाश के निकट पहुंचा। बदमाश इस बेचारे की हत्या कर गए। तभी पी पी, ओह पुलिस। कुर्कमान तुरंत उठकर भागा, कहीं मुझे ही ना पकड़ ले। पकड़ो इसे, एक सिपाही ने डंडा फेंक कर मारा। सर, जो कुर्कमान की टांगों में जाकर लगा और जनाब की धड़ाम हो गई। ठक, पुलिस ने उसे तुरंत ही दबोच लिया। खून करके भाग रहा था? नहीं सर, मैंने खून नहीं किया, गोलियां एक कार से चलाई गई थी। तो तू भाग क्यों रहा था? मैं पुलिस को देखकर डर गया था। ले जाओ, पुलिस से डर कर भागने के जुर्म में अंदर कर दो इसे। पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले चले। ओह ये बहुत बुरा हुआ, कुर्कमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस स्टेशन में लाकर कुर्कमान को लॉकअप में धकेल दिया गया। चल अंदर। कुर्कमान अभी समझ भी नहीं पाया था कि दूसरी मुसीबत ने उसे दबोच लिया। तो यहाँ कैसे आया? पुलिस लाई है बाऊजी, वैसे मैं निर्दोष हूँ। सच बता दे धुआं सिंह, तो वहां से बाहर कैसे निकला? धुआं सिंह, ये नाम तो मेरे दादाजी का था। तो क्या मैं दादाजी का हमशक्ल हूँ? उधर प्रोफेसर ठुमका भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। मैं अनोखेलाल नामक युवक की जमानत देने आया हूँ। वो पुलिस के डर से भाग रहा था, इसलिए 20 रुपये जुर्माना होगा। प्रोफेसर ने तुरंत 20 रुपये का नोट निकाल कर उसके हाथ में थमा दिया। आए, ये क्या है, 20 रुपये? प्रोफेसर ठुमका को ध्यान नहीं रहा था कि उसकी जेब में सन 1995 की करेंसी है। पुलिस से मजाक करता है, अंदर कर दो इसे भी। प्रोफेसर को भी लॉकअप में पहुंचा दिया गया। चल बे, कुर्कमान उन्हें देखकर खुश हो गया। मुझे इस जाड़िया से बचाओ प्रोफेसर, ये मुझे धुआं सिंह समझ रहा है। प्रोफेसर ठुमका ने जाड़िया को प्यार से काबू किया। जाड़िया जी, ये धुआं सिंह क्या चीज है, हम तो उसे जानते भी नहीं। यही है धुआं सिंह, मेरे बॉस ने इसे कैद कर रखा था। ये वहां से भाग कर आया है। कैद क्यों कर रखा था? इसने बॉस के कारखाने में फोटिया की दारू बनाने से इनकार कर दिया था, इसलिए बॉस ने इसका अपहरण किया था। फोटिया की दारू कारखाना? प्रोफेसर ने स्थिति को समझ लिया और चालाकी दिखाते हुए बोला, वास्तव में यह धुआं सिंह का जुड़वा भाई जाड़िया। वास्तव में ये धुआं सिंह का जुड़वा भाई है जाड़िया। इसके कहने पर धुआं सिंह तुम्हारे कारखाने में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर ये बात है तो बॉस मेरे साथ ही तुम दोनों को भी जमानत करा लेगा। 2 घंटे बाद उन तीनों की जमानत हो गई और जाड़िया उन्हें लेकर अपने बॉस के घर पहुंचा। अरे हाँ, ये तो हूबहू धुआं सिंह जैसा है। मुझे धुआं सिंह से तुरंत मिलवा दीजिए, फिर वो आपका काम कर देगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम दोनों की लातें काट दूंगा। कुर्कमान को अकेला ही उस कक्ष में भेजा गया वह जहाँ धुआं सिंह कैद था। ये मेरे दादाजी हैं। नमस्ते जी, कौन हो तुम? नमस्ते
मैं आपका पोता हूँ दादाजी, आशीर्वाद दीजिए। पोता? अभी तो मेरा बेटा भी नहीं है, फिर तू पोता कहाँ से आ गया? मैं सन 1995 से आया हूँ दादाजी, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको विश्वास आ जाएगा। ठीक है, सुना बात। कुरकवान ने उसे टाइम कार के आविष्कार और अपनी यात्रा के कारण के विषय में विस्तार से बताया तो धुआं सिंह आश्चर्य से मुंह फैलाए उसे देखता रह गया। तू सच कह रहा है ना? हाँ दादाजी, सन 1995 में आपके पुत्र धमाका सिंह का जीवन संकट में है। अगर आपने मेरी मदद ना की तो मैं मदद जरूर करूंगा पोते, क्योंकि मुझे विज्ञान की जानकारी है और टाइम ट्रेवलिंग संभव है, इसका विश्वास भी। बोल मुझे क्या करना है? हमें टोटिया फोटोनील चाहिए, जो आप इन बदमाशों के कारखाने में काम करके तैयार कर सकते हैं और हमें दे सकते हैं। ठीक है, मैं काम करूंगा, लेकिन उतना ही फोटिया बनाऊंगा जितनी की तुम्हें जरूरत है। कुर्कमान ने बाहर आकर बॉस को यह खुशखबरी सुनाई। अच्छा, वो तैयार हो गया? हाँ जी, हमें इनाम मिलना चाहिए। इन दोनों को ले जाकर ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो। ये क्यों जी? इसलिए कि कहीं तुम बाहर जाकर मेरा राज ना खोल दो। अब तुम्हें मेरी कैद में ही जीवन गुजारना होगा। अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम वही होगा जो उस आदमी का हुआ था, जिसे मेरे आदमियों ने लेन में गोलियों से भून डाला था। उन दोनों को ऊपर वाले कमरे में लाकर बंद कर दिया गया। अब क्या करें कुर्बान? पता नहीं, सोचना पड़ेगा। उधर जाड़िया धुआं सिंह को लेकर तहखाने की ओर चल दिया। चले आओ। तहखाने में दारू बनाने की भट्टी लगी हुई थी। यहाँ काम करना है तुम्हें। मैं वहां सीढ़ियों के पास बैठकर तुम्हारी निगरानी करूंगा। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो उठाकर भट्टी में झोंक दूंगा। समझे? समझ गया। धुआं सिंह तुरंत ही काम में जुट गया। जितनी जल्दी हो सके मुझे अपने पुत्र के लिए फोटिया तैयार करना है। 7-8 घंटे लगातार काम करने के बाद फोटिया तैयार हो गया है। अब उस जाड़िया से पीछे छुड़ाना है। एक आइडिया आ गया। उसने एक मग में सादा पानी लेकर पीना शुरू किया। वाह वाह, क्या शानदार चीज बनकर तैयार हुई है। आई, ये क्या पी रहे हो तुम? पहली धार की दारू है, ऐसी चीज हर एक को नहीं मिलती। वाह, थोड़ी मुझे भी दो। देता हूं, मगर बॉस को मत बताना कि असली चीज हमने पी है। नहीं बताऊंगा, जल्दी दो। यम यम, मग लेकर वह पियकड़ों की भांति गटक गया। गट गट गट। अभी पता चलेगा कि मैंने तुझे क्या पिलाया है। मग मुंह से हटाते ही जाड़िया की आंखें फैल गईं। पी पी पी, और फिर कटे कटे हुए ब्रिज की भांति नीचे आ गिरा। धड़ाम। धुआं सिंह तुरंत ही सीढ़ियों की ओर लपका। फोटिया तैयार है, ये खुशखबरी अपने पोते को जाकर सुनाता हूँ। कुर्कवन और प्रोफेसर ठुमका कमरे में निराश बैठे थे। मुझे तो लगता है अब हम अपने वर्तमान में नहीं जा सकेंगे। मेरे बापू का क्या होगा? तभी आई, दादाजी फोटिया तैयार है पोते, जितना चाहिए ले लो। मगर हम तो यहाँ कैद हैं, कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है, बाहर ताला लगा हुआ है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। तुम दरवाजा अंदर से खींचो, मैं बाहर से धक्का देता हूं। तीनों मिलकर दरवाजे से जूझ पड़े। हईसा, जल्दी उन्हें धमाकेदार सफलता मिली। धड़ाम, जल्दी करो, जाड़िया नीचे बेहोश पड़ा है और बॉस अपने कमरे में सोया हुआ है। हम फोटियां लेकर निकल चलते हैं। आप प्रोफेसर को लेकर तहखाने में चलो दादाजी, मैं अभी आता हूँ। कुर्कमान लपक कर कमरे से निकल गया। सड़ाक, अरे कहाँ गया वो? आ जाएगा, तुम चलकर मुझे फोटिया दिखाओ। कुर्कमान अड्डे से बाहर निकल आया। पुलिस को सूचना देकर बदमाशों को पकड़वाना होगा, वरना हमारे जाने के बाद वे फिर दादाजी को परेशान करेंगे। संयोगवश गश्त पर निकले एक संतरी से उसका सामना हो गया। संतरी जी, जरा सुनो। और उसने संतरी को दारू के अड्डे के विषय में बताया। मैं अभी फोर्स लेकर आता हूँ, अब वापस चलता हूँ। और उधर प्रोफेसर ठुमका ने एक शीशी में फोटिया भरकर अपने जेब में रख लिया। कुर्कमान न जाने कहाँ चला गया है। अचानक, या बाप रे, क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम? लाते उखाड़ दूंगा। ओए जाड़िए, सुन तो। धुआं सिंह जोश में आकर पीछे से जाड़िया से लिपट गया। रुक जा जाड़िया, घर। तभी बॉस भी वहां आ पहुंचा। आए, क्या हो रहा है यहाँ?
ये सब मिलकर गड़बड़ कर रहे हैं बॉस, पटक कर मार डालो सबको। गर ओए नहीं, जड़िया ने धुआं सिंह को दबोच कर सिर से ऊपर उठाया। या तभी कुर्कमान सीढ़ियों पर प्रकट हो गया। ओह अब क्या करूं, तुरंत ही उसे डॉट गन का ध्यान आया जो उसने धमाका सिंह को बेहोश करने के बाद जेब में रख ली थी। अगले ही पल पिट, बेहोशी का इंजेक्शन माथे में घुसते ही जड़िया के हाथ से धुआं सिंह छूटकर बॉस के ऊपर आ गिरा और इसका तुरंत ही और प्रोफेसर ठुमका तुरंत ही कुर्कमान की ओर लपका। बो बेटिया फोटिया मेरी जेब में है, निकल चलो यहाँ से। चलो ओए पोते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं दादाजी, तुम आ गए तो मेरा बाप पैदा नहीं होगा और फिर मैं भी, कहकर वे दोनों वहां से निकल भागे। अपने टाइम कार की ओर चलो प्रोफेसर। उसके बाहर जाते ही पुलिस अड्डे में घुसी। सबसे आगे वही संतरी था जिसे कुर्कमान ने अड्डे का पता बताया था। इसी व्यक्ति ने मुझे सूचना दी थी। हमशक्ल होने के कारण धुआं सिंह को कुर्कमान समझा गया और दारू का नाजायज कारखाना पकड़वाने के लिए उसे इनाम दिया गया। वाह रे पोते, मुझे साथ तो नहीं ले गया लेकिन मेरी वाहवाही खूब कर गया। उधर कुर्कमान और प्रोफेसर ठुमका सन 1995 में पहुंचे। प्रोफेसर ठुमका ने तुरंत ही टोटिया फोटोनिल बनाकर धमाका सिंह को पिलाया। घट घुटक दवाई ने चमत्कारी प्रभाव दिखाया। या मैं ठीक हो गया, शुक्र है भगवान का। धमाका सिंह, आगे से किसी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में तो नहीं घुसोगे? बिल्कुल नहीं जी, मुझे दोबारा कुत्ता थोड़ी बनना है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।